हमने टीएमसी के इस पुलिस को, टीएमसी का पुलिस इसलिए बोला हूं कि टीएमसी की पार्टी का ही एक पार्ट है, इनको बोला है आज कोई भी महिला जब हमारे रहते हुए गिरफ्तार आप नहीं करेंगे, अगर गिरफ्तार करना है हम लोगों को गिरफ्तार करिए, किसी महिला के ऊपर आ जाने हम नहीं देंगे। तो इसलिए पुलिस को हमने बोला कि हमें गिरफ्तार कीजिए, पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जा रही है, लेकिन किसी महिला के ऊपर हम आज नहीं आने देंगे, किसी महिला के ऊपर आज नहीं आने देंगे। हमारे महिला फेले जा पुलिस महिला अत्याचार करते बसि किस पे ना धर्षक दे के गिरफ्तार करते पारे ना। हमारे राज्य को प्रिंसिपल सिक्योरिटी जाए। आप एक मंत्री हो, आपको अरेस्ट किया है, एक मंत्री को अरेस्ट किया है। मंत्री शांति ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। हम जेल में रह रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। ममता बनर्जी रैली कर रहे हैं, हमारे एक जन कर्मी के गिरफ्तार कर ममता बनर्जी के रैली का परमिशन मिले, ममता बनर्जी का रैली का परमिशन तो मिल जाएगा, कोई परमिशन ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। बीजेपी जब कुछ करने जाती है तब जाके परमिशन की जरूरत पड़ती है, बीजेपी के लिए रूल है, लेकिन किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लिए खासकर देखो विषय आगे एक जन बीजेपी राज्य सभापति हिसाब से हमारे कर्तव्य हे যে আমার মহিলা কর্মীরা যেন অত্যাচারিত না হয়, তাকে আটকাতে গিয়ে যদি আমাকে গ্রেপ্তার হতো কোনো অসুবিধা নেই, সুকান্ত মজুমদার জেলে থাকতেন। কমিশনার নে ফিজিক কা হে, কমিশনার কে তরফ সে খা গে ও লোক সেই তরিকে সে ইনভেস্টিগেট কিয়ে। বিনীত গোয়েল কো আবি কে আবি আপনে পদ সে ইস্তফা দে দেনা চাহিয়ে, ইতনা নালায়েক সিপি, इतना अभद्र सिपी, एरोगेंट मिसबिहेवियर है उनमें, ऐसा लोग कलकत्ता का सिपी नहीं हो सकता। और ये पूरी तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका जो कांड जो हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पड़ेगा और उन्हें